अस्सलाम वालेकुम भाई लोग क्या हाल चल है सबका वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू मज़ेदार वीडियो के अंदर इंट्रो में आप लोगों ने जो देखा ना भाई सब क्या खतरनाक किस्म के मज़े आ गए होंगे आप लोगों को खैर फिलहाल तो आपका भाई पहले आपको एक आधा गेम प्ले दिखाना चाह रहा होता है मैंने कहा चलो आज पूरा गेम प्ले ही दिखा दिया जाए फिफ्टीन किल कर दें आपके भाई ने सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता हूँ अच्छी लोबी होती तो हैं आप लोग बंदे होगा ना डैमिश हमेश अंदाजा लगा सकते हो भाई आज ना आपके भाई का पता नहीं क्यों हाज इतना खुला खुल नहीं रहा था भाई बंदे नहीं मर रहे थे मेरे से तो चास नहीं आ रही थी खैर लगे गया तो मैंने एक बंदे को नो और फिनिश करवा दिया एक तो बोर्ड मार दिया आपके भाई ने मतलब तो पबजी वाले भी रहम खा रहे हैं हमारे ऊपर और यहाँ ना मुझे अंफर जैसे भी एक बंदा मेरे सामने लैंड होता है इस बेचारे को तो मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ नो कराता हूँ लेकिन ये कवर में चला जाता है तो हम भी ना सीधा यहाँ पर ना एक प्री ग्रनेड करवाते हैं अंदर ताकि बंदा वगैरह हो तो मर जाए इसके बाद मैं सीधा करवा देता हूँ पुई शुरू क्या बैठा ठोके बगैर चढ़ाई वाला माहौल होता है लेकिन इतनी देर में पीछे से एक बंदा ना लैंड हो जाता है तो खैर मैं भी यहाँ पे ना नीचे जम करा देता हूँ मैंने कहा भाई इससे पहले ऊपर वाला मारे हम जाके किसी बंदे पे पुश दे देते हैं ये भाई पता नहीं कहाँ से निकल के कहाँ को जा रहे होते हैं तो ना आपका भाई सीधा इस बंदे पे पुश कराता है इसको ना यहाँ पे नोक करवा के ना मैं सीधा करवा देता हूँ फिनिश एक बंदा मेरे वैसे ही नोक पड़ा हुआ है मैंने कहा तो क्यू चोरी ना हो जाए इसका जो बंदा होता है ना वो पता नहीं किस बंदे को मार के आया होता है तो आपका भाई यहाँ पे किट मारने की सोचते हैं लेकिन ये बंदा जैसे ही पुष्ट करवाता है ना तो मैं अभी रुके बगैर ठुके बैर इसके यहाँ पर नॉक कराता हूँ लगे आते इसको उसके यहाँ पे फिनिश वगैरह भी, भी करवा देता हूँ इतनी देर में जो मैंने सबसे पहले बंदा नॉक किया था वो भी फिनिश हो जाता है लगे आता वन वी थ्री हो जाता है इनके बंदों के ऊपर अभी जो सामने वाला बंदा था जिसने मुझे डैमेज दिया ना वो पुश करवाता है तो मैंने कहा चलो भाई इसके आने से पहले ही मैं ग्रनेडिया पे कुक कर लेता हूँ ताकि उसकी आती आपका भाई सीधा मुँह पर नेड़ फाड़े और इसको ना जरा लोबी का एक चक्कर मरवा दिया जाए तो यहाँ पे बाबू जी सुकून मोहब्बत इश्क के साथ ना इस बंदे को यहाँ पर ग्रनेड से नो किया जाता है और बा इज़्ज़त तरीके से ना यहाँ पे मैं इसको फिनिश वगैरह भी करवा भी देता हूँ पेटी शेटी बना दिया है खूबसूरत करके बाकी इन कैमरों का मैं क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता भाई यहाँ पे ना आपका भाई इवेंट शिवट वेला करके बाहर निकलता और ये चेक करो कोई हाल नहीं पैंती सीरी तो भी खैर आपका भाई यहाँ पर रंज नहीं निकल वापस आ जाता है अभी ना मेरी आंखें इसको कोई ढूंढ रही है कहाँ पर इतनी देर में ये बंदा यहाँ पे खड़ा नजर आता है लूट कर रहा होता है तो भाई फिर एक आधा ये तो बनता है ना रिवेंज वाला सीन है बाबा जी तो माहौल में आपका भाई एक एक करके ना अपने लूट शूट लेके यहाँ से निकल जाता है इतनी देर में भाई साहब जो रिकॉल जो जो होता है ना यहाँ पे बंदे शंदी आ जाते हैं तो मैं भी यहाँ पे रुके बगैर ठोके बगैर चढ़ाई वाला माहौल करके ना यहाँ पे रुकता हूँ एक बंदे को तो यहाँ पे डाउन कर लेता हूँ भाई चेक करो मेरा हाथ कितना ज़्यादा ना फारक चल रहा होता है यहाँ पर हालाँकि मेरी फेवरेट गन है और मेरे मेरे से ना आज तो बंदा भी नहीं मर रहा पता नहीं भाई इतनी किस्मत गंदी चल रही है आज तो मेरी तो खैर लगे आज इसका दूसरा बंदा भी पुश करवा देता है तो मैं ना इसको भाई हवा में ज़रा थोड़ा बहुत डैमेज करा देता हूँ अभी ना ये बंदा भी भाग रहा होता है और मैं इसके पीछे होता हूँ पहले ये मेरे पीछे था अब मैं इसके पीछे होंगे कि भाई कहाँ तक बच के जाएगा खैर ये बंदा अंदर चला जाता है मुझे भी पता होता है इसने अंदर ही जाना है तो आपका भाई भाई रुके बगैर ठुके बगैर सीधे जाकर इसको नोक करा लेता है बाकी ना जरा हल्च तो कर लेते हैं ना थोड़ी मतलब बूस्ट शूस कर लेते हैं अपने आप को इसके बाद ना मैं दोनों को के अंदर करवा देता हूँ फिनिश फिर यार पबजी वाले खुशी इस खुशी में ना मुझे एक आधा बोर्ड भी नसीब कर देते हैं कि यार का कार ला छुट्टी कार तो बोर्ड ले ला तो इसके बाद आपका भाई बोर्ड को मारने के बाद ना मैं यहाँ पे अपनी गन शेयर लोड करता हूँ यहाँ से मैं निकल जाता हूँ बंदे ढूंढने के लिए अभी ना ये वाले जो पोजीशन होती है ना भाई बिल्कुल बेस्ट होती है मिडिल मिडल ऑफ जोन होता है मतलब चेक करो तकरीबन तो आपका भाई अभी यहाँ पर वेट करता है मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर ही जोन बनेगा और भाई बिल्कुल सही होता हूँ मैं पूरा का पूरा जोन जो होता है ना यहीं पर बनता है खैर एक बंदे को मैं फिनिश करवाता हूँ नोकर करके फिनिश करवा देता हूँ साइड से मुझे पड़ जाते

थ्री एक्स भाई खैर परचेज़ कर लिया लेकिन फोर एक्स आपके भाई की मोहब्बत है तो फोर एक्स मैं नहीं छोड़ने वाला खैर यहाँ पे आयशा जी मुझे नज़र आ जाती हैं पता नहीं किस चक्कर में बैठी होती हैं एसपी आयशा जी तो इनको भी लगे आदना फिनिश करवा दिया जाता है तेरह किल आपके भाई के हो जाते हैं और लगे आदना यहाँ पे भाई साहब बोट ही बोट बोड़ रह जाते हैं बोट नहीं मतलब प्लेयर अच्छे होते हैं लेकिन ये कैंप कर रहे होते हैं ना मेरे हिसाब से जो कैंप करता है वो बोट ही होता है तो खैर ये बंदा बेचारा जोन से आ रहा होता है तो मरीम एज एम जे ये लड़की है इसका कोई कसूर नहीं है हम पागल हैं पाए सीलिए खैर तो यहाँ पर ना एक बंदा जो टोटल तीन बंदे होते हैं तो जो एक बंदा होता है वो जोन में मर जाता है लास्ट बंदा रह जाता है तो ना फिर रुके बगैर ठुके बगैर मैंने कहा चढ़ाई करते हैं यार क्या भाई वेट करना इन बंदों का अभी हम भी तो भाई प्रो प्लेयर ठहरे वो भी प्रो प्लेट ठहरे भाई तो आपके भाई ने यू नो प्रो प्रो वाला फीलिंग होती है खैर इसका नाम होता है पैनिक इसने भी अच्छे खासे बंदे मारे होते हैं और मैंने भी आप लोग चेक करो चौदह किल कर लिया है आपके भाई ने तो फिर मैं ना सीधा कुछ करवाता हूँ जब जैसे इसमें उजी लोड पर लगाई तो जाके इस बाई को यहाँ में नो फिनिश करवा दिया जाता है अभी ना चलते हैं भाई थोड़े बहुत क्लचेस के ऊपर यहाँ पे ना रिवेंज वाला सीन होने लगा जैसा कि मैंने बताया कि भाई मेरा थोड़ा बहुत ना हाथ सेट नहीं हो रहा होता तो यहाँ पर मेरा एम जो होता है ना बहुत ज्यादा बकवास होता है और ये बंदा मुझे ना मार जाता है वाई जट खैर इनको मैंने पहले भी इवेंट पर मारा था अब दोबारा मारेंगे इनको तो खैर इवेंट वाले जो थे ना ये लादा लादा आए थे तो मैंने वो इसलिए डाला नहीं इसमें मैंने कहा क्या यार सिंगल सिंगल बंदे मारे थे इनके तो फायदा चास नहीं आती अब ना ये पूरा स्क्वाड आता है तो पूरे के पूरे स्क्वाड को मारेंगे फिर चास आएगी तो खैर ये भाई जाट भाई जाना कोई वक़रा जोश में आए होते हैं तो सीधा मेरे पर पूछी करा जाते हैं इसका बंदा भी आता है इसको भी काफ़ी ज़्यादा लो करा देता हूँ मैं तो ये बंदा भी नीचे भाग जाता है मैंने कहा चलो दो गन्ने शने जो होती हैं उसको रिलोड करें जाकर सीधा इन बंदे के ऊपर चढ़ाई कर दें क्या ख्याल है भाई इस बारे में तो भाई सीधा चढ़ाई करते हैं यहाँ पर इसको भी नोक कर लेते हैं जो अंदर वाला बंदा हो तो वो बेचारा किट मार रहा होता है तो इसको भी हमें पकड़ लेते हैं तो इनका मुझे कोई फायदा नहीं होता तो मैंने कहा भाई जोन भी आ रहा है जल लगी आते इनको फिनिश वगैरह करा के कि ज़रा लूट शूट ले लीजिए इनसे क्यों ना अभी आप लोग चेक करो होट असद भाईजान होते हैं अभी ना यार ये बंदे गालियाँ देते हैं अभी मुझे बताना भाई मेरा क्या कसूर है यहाँ पे अभी ये चेक करो इसने पेटियां बनाई हुई हैं होट असद भाईजान ने चेक करो सामने बैरल की पेटी नज़र आ रही हुई है आप लोगों को तो भाई अगर तुम लोग बोट हो तुमसे बंदे नहीं मरते तो मेरा क्या कसूर है अभी मैंने इनको मारा ठीक है तो यार इनसे बंदे नहीं मरे अभी ये बंदे यहाँ पे गालियाँ दे रहे थे मुझे मैंने वो सीन नहीं ऐड किया नहीं तो वीडियो जो है ना एटीन प्लस चली जानी थी तो मैंने वो ऐड नहीं किया नहीं तो भाई मतलब क्या फ़ायदा था मैं वो गालियाँ देने का भाई ये वही मैच है जहाँ पर इन बंदे ने मुझे गालियाँ दी होती हैं और लिटरली भाई मेरे यहाँ आने से पहले ना ये जो बंदे होते हैं उनको मुक्के करा जाते हैं उनको भी गालियाँ पड़ी इनको भी गालियाँ पड़ी उनकी पक्की बात है खैर इन पर भी वन बाई थ्री अब भाई का हो जाता है जो सामने वाले बंदे होते हैं ना वो कोई लादा स्क्वाड होता है तो मैंने इन सबको फिनिश करा देता हूँ यहाँ पे अभी तो भाई ये वाला वन बी टू यार ये जो लास्ट सेकंड वाला बंदा होता है ना मुझे नहीं पता कोई यूट्यूबर है क्या है भाई लेकिन ना भाई ने जो डैमेज दिया है ना आह क्या बात है तो भाई लगे आज ना ये वाला भाई एक मिस क्लच होता है जो कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ भाई पहले भी इन बंदों ने मुझे मारा था तो सेकेंड टाइम में आता हूँ रिवेंज लेने के लिए खैर सेकेंड फर्स्ट टाइम भी, भी मैंने इनके एक दो बंदे कराए थे यहाँ पर आपके भाई ने इनके तीन बंदे नोकराने खैर लगे आते हैं यहाँ पर एक तो नोक है दूसरे पे मैं ग्रेनेड ट्राई करता हूँ दूसरा बैठा होता है सामने लेकिन यार ये जो ग्रेनेड होता है ना ये थोड़ा बकवास चला जाता है तो खैर कोई बात नहीं यार कोई सारे ग्रनेड बकवास नहीं जाते ये जो ग्रनेड होता है ना ये भाई जाना अपना काम बखा जाता है मुझे कहता है कि नहीं भाई हम अभी जिंदा हैं तो खैर इस ग्रनेड से ये बंदा हो जाता है डाउन डाउन होता है तो आपका भाई भी रुके बगैर फिर आपको पता है सीधा चढ़ाई वाला मोल हो जाता है और ये पता नहीं क्या चवली बच जाती है मेरे से भाई आपका भाई भी ना सीधा फिर रुके बगैर ठोके बगैर चढ़ाई वाला मोल कर जाता है मुझे पता नहीं कहाँ से पड़ जाती है मैं सीधा अंदर वाले बंदे को भी जाके पुश करा देता हूँ इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं डाउन बाकी जो लास्ट बंदा होता है ना यहाँ पे थोड़ी बहुत चवल बच जाती है बाकी वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना शेयर कर देना अल्लाह हाफिज बाय बाय टेक केयर